नमस्ते बच्चों एंड वेलकम बैक टू हेल्पिंग लिटिल जेम्स। मेरा नाम समर्थ है और आज हम बॉडमस पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा कि DMAS क्या है, उनके रूल्स क्या है, कैसे सॉल्व करना होता है जब एक एक्सप्रेशन में होता है, और एक एक्सरसाइज भी की थी उस पर। तो अब हम देखते हैं कि ये ओ क्या है। ये ओ होता है ऑफ, बॉडमस में ऑफ होता है। अगर आपने फ्रैक्शंस या परसेंटेजेस देखे होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा किसी ना किसी क्वेश्चन में। अगर होता है फाइंड 3/4 ऑफ 10 या 50% ऑफ 20, इन सब क्वेश्चंस में आपने ऑफ देखा होगा, बहुत कॉमन है। ये ऑफ सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही होता है। दिस विल इवेल्युएट टू 3/4 इंटू 10 एंड 50/100। ये परसेंटेज है ना, 50% यानी कि 50/100 इंटू 20। पर जब ये ऑफ ओ एक एक्सप्रेशन में आता है जिसमें डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, तब एक स्पेसिफिक रूल फॉलो करना होता है कि कब आएगा। वी विल सॉल्व ऑफ बिफोर वी सॉल्व डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट आफ्टर बी। ये जो बी है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है तो इसके लिए सिर्फ दो ही एग्जांपल्स काफी हैं। हम और ब्रैकेट्स में देखते हैं बिकॉज वहां और ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो ये देखते हैं 2+6/2 ऑफ 3+1। तो ऑफ जब आता है तो पहले ओ सॉल्व करना होता है। सो वी विल रिप्लेस दिस बाय 2+6/ हम ये जो 2 of 3 है ब्रैकेट्स में लिख देते हैं 2 × 3 क्लोज ब्रैकेट्स +1। ये इसीलिए करते हैं बिकॉज ऑफ सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना, बट अगर हम ऑफ एक मल्टीप्लीकेशन साइन से रिप्लेस करते हैं तो हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा DMAS, पर वो नहीं है, हमको ओ का रूल फॉलो करना होता है। ओ कम्स बिफोर DMM, तो इसीलिए हम ब्रैकेट्स में डालेंगे और ये ही पहले सॉल्व करेंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम क्यों ब्रैकेट्स यूज करते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से देखते हैं। सो 2+6/2 × 3 हुआ हमारा 6+1। अब DMAS सॉल्व करते हैं, 6/6 हुआ 1, सो 2+1+1 हुआ हमारा 4। सिंपल ना। अब आप वीडियो पॉज करके ये ट्राई करो कैसे सॉल्व करने है। चलो करते हैं। सो वी हैव 9/2 ऑफ डिविजन प्लस मल्टीप्लीकेशन। ऑफ पहले आएगा, सो रिप्लेस द ऑफ विद द मल्टीप्लीकेशन साइन एंड एड ब्रैकेट्स 9 × 2/3+6 × 2। पहले ये करना पड़ेगा जो ऑफ में है, वो पहले करना पड़ेगा। सो 18/3+6 × 2। अब डिविजन और मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट टू राइट, 18/3 हुआ 6। फिर क्या आएगा, प्लस। इवैल्यूएट मत करना, 3+6 नहीं है, ये +6 × 2 बाय बॉडमस। एंड 6 × 2 हुआ हमारा 12, यानी कि आंसर हुआ 18। सो जस्ट टू रीकैप, ये जो ऑफ होता है हम फ्रैक्शंस और परसेंटेज के क्वेश्चंस में देखते हैं एंड ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन जब हम बॉडमस यूज करते हैं, ऑफ इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, बट वी विल सॉल्व इट बिफोर वी सॉल्व डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर दिस रीजन हम ये ब्रैकेट्स में डालते हैं और मल्टीप्लीकेशन ऑफ को मल्टीप्लीकेशन साइन से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि जैसे हमने ये सॉल्व किया है।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो और मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक और वीडियो में। तो फिक्र मत करो, मैं आपके लिए हूँ और कोई भी डाउट्स हैं मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ विच कम्स बिफोर DMAS. आई होप यू ऑल स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय।